का अख्तिताम हुआ था जुमे को तो हमने डॉलर बहुत ऊपर देखा था, 207 के करीब। क्या जब पीर आएगी और ग्रे लिस्ट से निकलने का खबर आई हुई होगी तो आपको डॉलर 200 से नीचे आता नजर आएगा वापस? डॉलर डिफरेंट वजूहात की बना पे बढ़ रहा है और रुपया जो है वो गिर रहा है। वो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो डिफरेंस आ रहा है, जो जिसको हम पिछाती खसारा कहते हैं या करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं, उसके नतीजे में रुपए के ऊपर प्रेशर आता है। आप अंदाजा कीजिए कि 75 अरब डॉलर की कहीं हमारी इंपोर्ट हो जाती है और एक्सपोर्ट हम और सलीम 31 साहब अरब कभी को। कहते हैं IMF से मुआहिदा ना होने की वजह से डॉलर ऊपर जाता है, फिर आप कह देते हैं कोई ये ग्रे लिस्ट से निकलने का कोई फायदा नहीं होगा डॉलर का। देखिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के बहुत सारे फायदे होंगे। अभी तो जिस तरह फेडरल का जो जो तरीका है कार है, अभी वो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लायंस, यानी कि जो जो उन्होंने एक्शन प्लान दिया था उसकी तामील हो चुकी है। उन्होंने मान लिया कि उसकी तामील हो चुकी है, अभी उसकी तस्दीक करना बाकी है। वो जिसको कहते हैं कि अभी वो एक मिशन भेजेंगे और फिर वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस, उसको वो क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो मिशन पाकिस्तान में आएगा। तो अब मंडे मॉर्निंग स्टॉक एक्सचेंज भी आपको लगता है वो भी अपना कोई इम्पैक्ट दिखाएगी या नहीं इस खबर से? देखिए, ये चीजें फ्यूचर का तो सिर्फ इल्मे नजूम हो सकता है, मेरे पास इल्मे नजूम का कोई कोई एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि रुपया शायद कुछ बेहतर होने लगे और स्टॉक मार्केट तो आपने सुना, आपने देखा कि जुमे को ही बेहतर हो गई थी। लेकिन बहुत नीचे जाके बेहतर हुई तो उस बेहतरी को कहाँ मानेंगे? अभी तो 41-42 हज़ार पे है, कभी 48 हज़ार पे थी। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक चीज और ध्यान में रख लीजिए, वो मेडिकल साइंस में कहते हैं कि एक होती है बीमारी और एक होती है बीमारी की अलामत या अलामात, दोनों में तफ्तीश करना बड़ा जरूरी है। आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, ये बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी की अलामत है। आप रुपए के गिरने की बात कर रहे हैं, वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी की अलामत है। बीमारी असल जो है वो, उसको हम कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, यानी कि डॉलर खत्म हो गए हैं मुल्क के अंदर और उसके नतीजे में ये अलामत आप देख रहे हैं। कुछ भी बेहतर नहीं हो पा रहा। चाइना ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया, हमारे यहाँ कोई एक्सचेंज रेट में बेहतरी नहीं आई, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी नहीं आई और कुछ बेहतर नहीं हुआ। फैटफ के बाद भी आप कह रहे हैं कि कोई बेहतरी आने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे तो पहले जिन फैक्टर्स की वजह से आप कहते थे कि नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, अगर वो रिवर्स होकर पॉजिटिव भी हो रहे हैं तो मार्केट तो पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करेगी उसके नतीजे में भी, आप ये भी कह रहे हैं हमें। नहीं, मैं आई एम एक्चुअली मुजम्मिल साहब क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द नेक्स्ट 5 to 6 months। देखिए, FATF से ग्रे लिस्ट से हम निकल चुके होंगे, मेरा ख्याल है बाय 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 द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेकिन वो बात ऑलरेडी आ गई है, उन्होंने हमारी कंप्लीट कंप्लायंस, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है सब्सटेंशियल कंप्लीशन, यानी कि जो 34 साल से एक्शन प्लान 2018 के भी और 2021 के जमा करके 34 प्लान, वो 34 से 34 नुकात पे उन्होंने हमें सब्सटेंशियल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दे दिया है। ये बड़ी पॉजिटिव चीज, मेरा ये ख्याल है कि IMF की जुबान में वो कहलाता है MEFP, जो एग्रीमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। मेरा ये ख्याल है कि वो अगले हफ्ते भर में साइन हो जाएगा। उसके सिग्नेचर के बाद वो जाता है IMF बोर्ड के पास और फिर बोर्ड अप्रूवल देता है। तो मेरा ख्याल है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक उसकी अप्रूवल भी सामने आ जाएगी और उसकी डिसबर्समेंट भी सामने आ जाएगी। वो कहते हैं बाइडेन सऊदी अरब जाएंगे तो नीचे आएंगी, जब तक बाइडेन सऊदी अरब